नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इंडिया खबर लाइव में। मैं हूं अनूप पांडे। भाजपा कार्यकर्ताओं ने पवई विधायक प्रहलाद लोधी का किया स्वागत। कार्यकर्ताओं ने विधायक को किया स्मृति चिन्ह भेंट। कांग्रेस ने किया था किसानों के साथ छलावा, प्रहलाद लोधी। विधायक ने कहा, कार्यकर्ता मेरे लिए देव तुल्य है। सरकार ने हम पर विश्वास जताया, हम जनता की सेवा के लिए तत्पर हैं। नगर भाजपा कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को भोपाल से सागर जा रहे पवई विधानसभा क्षेत्र के विधायक प्रहलाद सिंह लोधी से रेस्ट हाउस में मुलाकात की तथा उन्होंने श्री लोधी को स्मृति चिन्ह के रूप में ग्यारसपुर की महान स्मृति शालभंज का प्रतिमूर्ति भेंट की। विधायक श्री लोधी ने बताया कि ग्यारसपुर क्षेत्र के कार्यकर्ताओं से मेरा आत्मीय रिश्ता है तथा पार्टी कार्यकर्ता किसी जगह पर क्यों ना हो, वह मेरे लिए देव तुल्य है। इस अवसर पर इंडिया खबर लाइव के संवाददाता शुभम मिश्रा ने विधायक प्रहलाद सिंह लोधी से की विशेष बातचीत। प्रस्तुत है एक रिपोर्ट। नमस्कार, इंडिया खबर लाइव में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं पवई से भारतीय जनता पार्टी के विधायक प्रहलाद लोधी जी। वो भोपाल से निकलते समय ग्यारसपुर रेस्ट हाउस में कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए रुके हुए थे। इसी को लेकर आज हम उनसे बात करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को जो इस उपचुनाव में ऐतिहासिक जीत मिली है और जनता ने पुनः भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास जताया है। अगर हम देखें तो पिछले जो विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें कांग्रेस को बहुमत मिला था, लेकिन कांग्रेस की रीति नीति जो कार्यकर्ताओं को भली भांति नहीं जान सके और जिन विधायकों ने कांग्रेस छोड़ भाजपा शामिल कर ली और जिसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया भी भारतीय जनता पार्टी में चले गए, कांग्रेस की सरकार फिर धराशायी हो गई। 15 महीने बाद भारतीय जनता पार्टी को फिर ताजपोशी मिली और शिवराज सिंह चौहान फिर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। तो जनता ने जिस प्रकार दोबारा भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास जताया है, तो कितना भारतीय जनता पार्टी उन विश्वास पर खरी उतरेगी, इस चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बात करने के लिए विधायक श्री प्रहलाद लोधी जी। विधायक जी, जो शिक्षक भर्ती का जो काफ़ी मुद्दा रहा है पहले भी, और सरकार शिवराज जी ने चुनाव के समय ये कहा था कि शिक्षक, अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है शिक्षकों की भर्ती की जाएगी, वो जो रुकी पड़ी है उसका क्या है अभी? देखिए, हमारी भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास लेकर चलती है। आज जो ऐतिहासिक जीत हुई है इसमें भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता, एक एक जिले के कार्यकर्ताओं की मेहनत और खून पसीने से आज हमारी भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है, नीति और न्याय लेके चलती है। 15 महीने की कांग्रेस की सरकार ने किसानों के साथ छलावे के अलावा कुछ नहीं किया। उन्होंने केवल विधायक तोड़ने का काम उन्होंने किया था, जिसमें मैं खुद एक पवई से विधायक शामिल हूँ। एक छोटे से प्रकरण में लेके मेरे को 2 वर्ष की सजा दिलवाई और मेरी आनन फानन में कांग्रेस ने सदस्यता भंग की, जिससे सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से मुझे स्टे मिला। इन्होंने नहीं माना, फिर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दिया, तब कहीं इन लोगों ने माना। एक बुंदेलखंडी कहावत होती है कि हमारी तो इनने एक फोरी थी, इनकी दोनों फूट गई। मतलब भारतीय जनता पार्टी का इनने एक विधायक टूटा तोड़ा था, तो उनके 22 विधायक टूट गए, उनकी कांग्रेस की सरकार गिर गई। अंधी लूड़ी का अंधी लंगड़ी कांग्रेस बची है, कांग्रेस का बाजू खत्म है। हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की जो ताकत है, जो विश्व पे भारतीय भारत का नाम उन्होंने किया है, जैसे 370 राम मंदिर, 35 से गैस कनेक्शन, किसान सम्मान निधि और सब गरीब की जनहितैषी जो कल्याणकारी योजनाएं थी, इनको इन कांग्रेस वालों ने बंद कर दिया था। उसको देखते हुए हमारी इस उपचुनाव में भारी ऐतिहासिक जीत हुई है और सभी की सभी योजनाएं हमारी भारतीय जनता पार्टी ने चालू कर दी है। जैसे हमारे एसएसजी प्रधानमंत्री 6000 देते थे, 4000 हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह जी ने भी उसमें मिला के किसान के लिए 10000 सम्मान निधि कर दी है। तो
बच्चों की फीस थी उसको कांग्रेस ने बंद कर दिया था। संबल योजना जैसी योजना को जिससे गरीबों का कल्याण होता था, जैसे किसी गरीब कोई मर जाता था उसके नहीं रहता था, कफन को पैसे मिलते थे 2 लाख रुपए और मिलते थे, उसका परिवार का उधर पोषण होता था। लैपटॉप जैसी योजना, हमारे बच्चे बहनें हमारी जो कंपटीशन में पढ़ते थे कि हमें ज़्यादा नंबर लाना है, तो उस लैपटॉप को भी इनने बंद कर दिया था। इनने, अरे इनको बंद नहीं करना चाहिए थी गरीबों की योजनाएँ, हम कहते नाम जरूर बदल देते। जैसे आज तक हमारे पूर्व स्वर्गीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो प्रधानमंत्री सड़क योजना चलाई थी जिससे हमारे गांव ग्रामीणों का विकास हुआ है, इसलिए समर्थता को देखते हुए हमारी भारतीय जनता पार्टी की न्याय और नीति की सरकार है, और इसलिए आप सबने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने और मतदाताओं ने भारी बहुमत से हमारी भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को जिताया है और सरकार बनाई है। मैं इसका बहुत बहुत आभारी भारतीय जनता पार्टी के देवतुल कार्यकर्ताओं को मैं चरणों में नमन करते हुए